आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस कर्नाटक का, मैं हूं अब्रार पटेल। आइए शुरुआत करते हैं कर्नाटक की खबरों से। 10 रुपए बाइक पार्किंग न देने की वजह से बेंगलुरु में हुए कत्ल की वारदात। लावण्य थिएटर के पास भरणीधरन नामी व्यक्ति की हुई हत्या। कल रात थिएटर के पास की थी पार्किंग, पार्किंग की फीस न देने की वजह से हुई वारदात। पार्किंग इंचार्ज ने 10 रुपए फीस मांगी थी जो व्यक्ति ने नहीं दी, जिसकी वजह से दोनों में हाथापाई हुई। इसी बीच भरणीधरन को गंभीर चोट लगने से उसकी मौत वाकया हुई। आरोपी सलवम को पुलिस ने हिरासत में लिया है। पुलिस मामला दर्ज कर और ज्यादा जानकारी में जुटी। आग दुर्घटना में बस जलकर हुई खाक। NH4 पर हुई ये घटना। आग दुर्घटना में एक प्राइवेट बस पूरी तरह से जल गई। तुमकुर के पास हुई यह दुर्घटना। यादगिरी जिला सुरपुर तालुका केम्भावी से निकली थी ये बस बेंगलुरु जाने के लिए। कल शाम 6 बजे निकली थी ये बस, जिसे सुबह 7 बजे बेंगलुरु पहुंचना था, लेकिन तुमकुर के पास आते ही अचानक उसमें आग लग गई। किसी तरह का जानी नुकसान नहीं हुआ। प्रयाणिकों ने अचानक बस में लगी आग को बताने पर ड्राइवर ने तुरंत बस को रोका। सभी प्रयाणिक सुरक्षित बाहर आए। 40 से ज्यादा प्रयाणिक थे इस बस में। एक बड़ी दुर्घटना होते होते बची। कैतनहल्ली में घर में घुसे चीते को पकड़ा गया। मैसूर जिला HD कोटे के गांव कैतनहल्ली के एक घर में घुसा था चीता। घर में घुसने से पहले ग्रामस्थों पर चीते ने हमला किया था। उसके बाद यह चीता एक घर में घुस गया। ग्रामस्थों ने घर को बंद करके अरण्य विभाग अधिकारियों के साथ चीते को पकड़ लिया। संविधान बदलने के विचार में कांग्रेस हुई गरम। संविधान बदलने की कोशिश की गई तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। BJP नेताओं को सख्त वार्निंग दी मल्लिकार्जुन खड़गे ने। कल कलबुर्गी में कांग्रेस की एक सभा में भड़के मल्लिकार्जुन खड़गे। कल BJP नेता अनंत कुमार हेगड़े ने कहा था कि हम संविधान को बदलने के लिए ही आए हैं। इसी बात को लेकर आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने BJP नेताओं को सख्त वार्निंग दी कि अगर संविधान बदलने की बात भी की तो बहुत बड़ा खून खराबा होगा। ट्रैफिक पुलिस की वजह से हुई दुर्घटना, 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। ट्रैफिक पुलिस की वजह से हुई दुर्घटना। दक्षिण कन्नड़ जिला के बंटवाल तालुका BC रोड पर ट्रैफिक पुलिस की गलती की वजह से हुआ यह हादसा। 3 बाइक सवार गंभीर रूप से हुए घायल। ट्रैफिक पुलिस ने बीच रास्ते पर बाइक सवार को रोका था। पीछे से आई ऑटो ने मारी बाइक सवार को टक्कर, जिसकी वजह से 3 लोगों को गंभीर चोटें आई। घायलों को BC रोड के प्राइवेट अस्पताल में दाखिल करवाया गया। इसके बाद लोगों का गुस्सा ट्रैफिक पुलिस पर फूटा। सार्वजनिकों ने पुलिस की इस लापरवाही पर कड़ा एतराज जताया। रायचूर की विद्यार्थिनी की मृत्यु की घटना में नया ट्विस्ट आया सामने। विद्यार्थिनी की मौत आत्महत्या है, कत्ल नहीं, और विद्यार्थिनी के साथ बलात्कार भी नहीं हुआ। पिछले दिनों रायचूर में एक विद्यार्थिनी की मृत्यु पर बड़ा बवाल खड़ा हुआ था। लोगों के मुताबिक लड़की का बलात्कार कर हत्या की गई थी। पुलिस तेजी से छानबीन में जुटी थी। CID अधिकारियों को ये केस सौंपा गया था। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आने के बाद ये कहा जा रहा है कि लड़की का ना तो बलात्कार हुआ था और ना ही हत्या। लड़की के जिस्म पर जख्म के निशान भी नहीं मिले। धूप की वजह से लड़की का जिस्म झुलसा हुआ नजर आ रहा था। आरोपी सुदर्शन के मुताबिक विद्यार्थिनी और उसके बीच दोस्ती थी और वो इसी का फायदा उठाते रहता था। आरोपी बार बार लड़की को तंग किया करता था। मृत्यु के दिन भी सुदर्शन ने उस पर हमला किया था, जिसे दुखी होकर विद्यार्थिनी ने खुदकुशी कर ली। पोस्टमार्टम रिपोर्ट CID के हाथों में पहुंच चुकी है। CID अधिकारी और ज्यादा जानकारी में जुटे हैं। स्थानीय निकाय चुनाव का अखाड़ा तैयार हो गया है। कांग्रेस एवं जनता दल यह चुनाव गठबंधन के रूप में नहीं लड़ेंगे, बल्कि अलग अलग लड़ेंगे। इस बात से दोनों ही दलों के कार्यकर्ता खुश हैं। नवलगुंद पुरसभा कलघट्टी एवं अल्लावर टाउन पंचायतों का कार्यकाल पूरा हो चुका है। यहां पर बुधवार को अधिसूचना जारी हो गई। नामांकन सौंपने की प्रक्रिया गुरुवार से शुरू हुई। प्रत्याशियों के चयन में पार्टी नेताओं को कड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है। इस बीच लोकसभा चुनाव में संयुक्त रूप से कार्य करने वाले कांग्रेस और जनता दल ने इस बार पृथक रूप से स्पर्धा करने का विचार जताया है। स्थानीय स्तर में अपने अस्तित्व को ताकतवर बनाने के लिए गठबंधन के बजाय स्पर्धा करने की भावना दोनों पार्टियों के नेताओं ने जाहिर की है। इस बात को पार्टियों के राज्य इकाइयों के नेताओं ने भी मंजूरी देकर पृथक रूप से स्पर्धा करने की संकेत दिए हैं। विधायक एवं पूर्व मुख्यमंत्री जगदीश शेट्टर ने जल संसाधन मंत्री DK शिवकुमार पर आरोप लगाया है कि वे
कुंदगल विधानसभा क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। उन्होंने चेताया कि कार्यकर्ताओं पर दबाव बनाया तो अंजाम ठीक नहीं होगा। शहर के एक होटल में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में शट्टर ने कहा कि शिवकुमार समझ रहे हैं कि चुनाव में कार्य करने का मतलब केवल होटल रिजॉर्ट में बैठक करना है। उनके पास कार्यकर्ताओं की कमी होने से वो हमारे कार्यकर्ताओं को आकर्षित कर रहे हैं। भाजपा कार्यकर्ता बिकाऊ वस्तु नहीं है। कनकपुर की गुंडागर्दी, मनमानी व धन बल यहाँ नहीं चलेगा। शटर ने कहा कि सिद्धरामैया सबसे बड़े झूठे में भी महाझूठे हैं। मुख्यमंत्री बनने से पहले उन्होंने खुद के लिए यही आखिरी चुनाव कहा था, लेकिन फिर से चुनाव लड़ा, दलित मुख्यमंत्री होने की बात कही थी, अब मौका मिला तो मुख्यमंत्री बनने की बात कर रहे हैं। उनका पर्दा फाश हुआ है। उन्होंने कहा कि लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद जनता दल को दिए समर्थन को कांग्रेस वापस लेगी और सरकार का पतन होगा। यह गठबंधन लोकसभा चुनाव तक ही है, कहकर सिद्धरामैया ने ही पूर्व में अपने पार्टी के नेताओं को कहा था। गठबंधन पार्टी के नेता आपस में पीठ पीछे छुरा घोंपने का कार्य कर रहे हैं। शटर ने कहा कि मंत्री नहीं बनने की पीड़ा शिवल्ली को थी। सिद्धरामैया खुद को कुरुप समाज का नेता कहते हैं। अगर यह सच है तो शिवल्ली को प्रथम चरण में ही मंत्री पद क्यों नहीं दिया? मंत्री बनाने के बाद भी धारवाड़ जिला प्रभारी मंत्री क्यों नहीं बनाया? शिवल्ली ने मंत्री नहीं बनाने की पीड़ा हमारे सामने बताई थी। उन्होंने कहा कि सूखा व पेयजल के लिए हाहाकार के इस मौके पर मुख्यमंत्री HD कुमारस्वामी तथा HD देवेगौड़ा मंदिरों की दौड़ लगा रहे हैं। पुत्र को हराने की बात का पता चलने के बाद मुख्यमंत्री हवन यज्ञ करवा रहे हैं। ऐसा करने पर EVM में दर्ज वोट बदलते तो देवेगौड़ा एक बार फिर से प्रधानमंत्री बन जाते। हुबली धारवाड़ जुड़वा शहर में कचरा निस्तारण के लाचार प्रबंध से कचरा संकट गहरा गया है। संकट का समाधान नहीं हो पाने से वैकल्पिक उपाय अपनाने पर विचार होने लगा है। हुबली धारवाड़ महानगर निगम में ठोस कचरा प्रबंध विभाग के अस्तित्व में आने के बाद कचरा संग्रह, विभजन, पुनःइस्तेमाल तथा प्रबंधन की दिशा में धीरे धीरे एक के बाद एक कदम रखे जा रहे हैं। इसमें ऑटो रिक्शा डंपर खरीदी भी एक है। साथ ही कचरा पुनः उपयोग के लिए कंपोस्ट इकाई, कंपोस्ट स्टेशन, सूखा गीला कचरा विभाजन के लिए हर घर को 2 बकेट वितरण, होम कंपोस्ट, बायोगैस के साथ आखिर में जुर्माने का अस्त्र का उपयोग करने पर महानगर निगम विचार कर रहा है। विधानसभा के बाहर आत्महत्या का प्रयास करने वाले एक ही परिवार के 3 सदस्यों को पुलिस ने गिरफ्तार किया। पुलिस के अनुसार बन्नेरघट्टा निवासी अश्वत्थ वन विभाग के एक अधिकारी के उत्पीड़न से परेशान था। इसके विरोध में वो शुक्रवार को पत्नी नागरत्ना और पुत्र संजय के साथ विधानसभा के डॉक्टर BR अंबेडकर प्रतिमा के पास पहुंचे। तीनों ने साथ लाए पेट्रोल और डीजल को शरीर पर छिड़क कर आत्मदाह का प्रयास किया। विधानसभा की सुरक्षा में तैनात पुलिस कर्मचारियों ने तुरंत वहां पहुंचकर बीच बचाव किया और आत्मदाह के प्रयास को विफल कर दिया। तीनों को गिरफ्तार कर कब्बन पार्क पुलिस थाने लाया गया। पुलिस के पूछताछ करने पर पता चला कि वन अधिकारी सत्यनारायण ने अश्वत्थ और परिवार को काफी परेशान किया है। पुलिस थाने में शिकायत दर्ज कराने के बावजूद पुलिस कोई कार्रवाई नहीं की। उसी कारण जीवन से दुखी होकर तीनों ने आत्मदाह का प्रयास किया था। पूर्व मुख्यमंत्री सिद्धरामैया को फिर से मुख्यमंत्री बनाए जाने का बयान देने वाले कांग्रेस के कुछ मंत्रियों और विधायकों ने उनसे भेंट कर कई मुद्दों पर चर्चा की है। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस के 8 से अधिक मंत्री और 20 से अधिक विधायकों ने सिद्धरामैया से गोपनीय मुलाकात की। इसमें मंत्री जमीर अहमद खान, MB पाटिल, KJ जॉर्ज, सतीश जारकीहोली, पुटरंगा शेट्टी, RV देशपांडे और कृष्ण भैरवगौड़ा समेत कई मंत्रियों और विधायकों के नामों की चर्चा है। सूत्रों का कहना है कि कुंदगुल और चिंचोली विधानसभा क्षेत्र उपचुनाव और लोकसभा चुनाव के परिणाम के बाद प्रदेश की राजनीति में होने वाले परिवर्तन पर चर्चा की गई। मंत्रियों और विधायकों ने सिद्धरामैया को सुझाव दिया कि चुनाव के परिणाम के बाद 70 विधायक रखने वाली कांग्रेस पार्टी को मुख्यमंत्री का पद मिलना चाहिए और इसके लिए जनता दल यस पर दबाव डालना चाहिए। जनता दल यस के समक्ष कांग्रेस के लिए कम से कम 25 मंत्री पद छोड़ने का प्रस्ताव रखना चाहिए। जनता दल यस को एक उप मुख्यमंत्री का पद दिया जाए और सिद्धरामैया फिर से मुख्यमंत्री बने। मंत्रियों और विधायकों की इस गोपनीय मुलाकात को लेकर सियासी हलकों में कई तरह के चर्चे हैं। सूत्रों के मुताबिक मंत्रियों और विधायकों ने सिद्धरामैया से कहा कि गठबंधन सरकार में कांग्रेस विधायकों और कार्यकर्ताओं की कोई अहमियत नहीं है,
इसके बाद कांग्रेस को कोई लाभ नहीं हो रहा है। गठबंधन धर्म का पालन ही करना है तो मुख्यमंत्री का पद कांग्रेस के पास रहे। जिले के मंत्रियों, विभिन्न निगमों और बोर्ड के चेयरमैनों को अभी तक कोई अधिकार नहीं दिया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव के बाद केवल 34 विधायक जीतकर आने वाली जनता दल यस को मुख्यमंत्री पद किस आधार पर दिया गया? तुमकुर के सांसद मुद्दा हनुमे गौड़ा, पूर्व मुख्यमंत्री चलोराय स्वामी और केएन जॉर्ज को भी सिद्धरामैया से गोपनीय मुलाकात की खबर है। इससे पहले गृह मंत्री एमबी पाटिल के बयान के बाद मुख्यमंत्री एचडी कुमार स्वामी ने प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिनेश गुंडूराव और उप मुख्यमंत्री डॉक्टर जी परमेश्वर के सामने नाराजगी जताई थी। और खबरों के लिए जुड़े रहिए।